लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी थी, मेरे पास sp3 थी, ठीक है। तो फिर अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है, प्रीडोमिनेटिंग कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों ने देखा। तो जहां पर हम लोग देखते हैं उनके अंदर कोवेलेंट करेक्टर कैसे होते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। फिर वो आपको मैंने एक टेबल बना के दिखाई थी, और उसके नीचे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में दिखाया था कि लिथियम, सोडियम और एल्यूमिनियम के, इनके साथ फ्लोराइड्स के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है एज कम्पेयर टू जब उनके क्लोराइड्स के मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर अपने पास एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस की बात करेंगे, जो कि ग्रुप 14 है, ग्रुप मेरे पास 15 में आता है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, तो यहाँ पर उनके डायग्राम की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग डालिए एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस तीन एलोट्रॉप्स में पाया जाता है। एक होता है मेरे पास वाइट फॉस्फोरस, ठीक है ना, एक होता है आपके पास रेड फॉस्फोरस, और एक होता है आपके पास ब्लैक फॉस्फोरस। तीन टाइप के फॉस्फोरस मेरे पास नॉर्मली पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा इनका तीनों का, ठीक है। जब तीनों का हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो मुझे यहाँ से एक चीज ये पता चलेगी कि भाई किस स्ट्रक्चर बनाते टाइम मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि भाई व्हाइट फॉस्फोरस का कैसा स्ट्रक्चर था। तो ये P4 के स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फॉस्फोरस, यहाँ पर फॉस्फोरस, 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 और यहाँ पर फॉस्फोरस, ये इस तरह के स्ट्रक्चर के फॉर्म में P4 मेरा एग्जिस्ट करता है इन व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। अब जब बात करेंगे रेड फॉस्फोरस की, तो यहाँ पर चेन बनना स्टार्ट हो जाता है। कैसे, लीनियर चेन, एक ही डायरेक्शन, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर वो बढ़ रहा है। किस तरीके से बढ़ते हैं, यहाँ पर भी P4 है, जैसे ये इससे कनेक्टेड है, 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 इसके जस्ट बगल में एक और है P4। अब क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनते हैं इस तरीके से, लीनियरली वो इसी डायरेक्शन के अंदर। अगर ये मैं एक्स एक्सिस बोलूं, तो एक एक्स एक्सिस की तरफ ये चेन क्या होगी मेरी, आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इसके आगे एक और ऐसे P4 का मॉलिक्यूल आएगा, आगे एक और आएगा, तो ये लीनियरली क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा। बट वहीं पे जब मैं ब्लैक फॉस्फोरस की बात करता हूँ, तो ये मेरे पास कैसा होता है, ब्लैक फॉस्फोरस मेरे पास 3D डायमेंशन में होता है, 3D नेटवर्क सॉलिड के फॉर्म में होता है। जैसे मैं बना के दिखाऊं आपको, तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से कनेक्टेड है ये, एक और फॉस्फोरस है, एक और फॉस्फोरस है, ये भी। अब ये फॉस्फोरस जो मेरे पास एक और फॉस्फोरस से कनेक्टेड होगा, वो अगले फॉस्फोरस से आगे, ये इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा होगा, फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस, ये इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा होगा, फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, ये अगले फॉस्फोरस से, ये अगले फॉस्फोरस से, ये पी है, यहाँ से देखोगे तो नीचे फॉस्फोरस, आगे फॉस्फोरस, उसके आगे फॉस्फोरस, ये आगे और दो फॉस्फोरस से कनेक्टेड होगा। मतलब ये तीनों डायरेक्शन के अंदर मेरे पास मूव करता रहता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो आगे की तरफ ये मेरे पास क्या करता है, इंक्रीज होते जाता है। तो इसलिए मेरे पास कैसा है, 3D नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर ना, वो आपसे पूछते हैं कि भाई आप हमें एलोट्रॉप्स ऑफ जो फॉस्फोरस है उनके जो 3D नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा होगा वो कौन सा होगा, तो हम बता देंगे भाई ब्लैक फॉस्फोरस होगा, ठीक है ना। लीनियर चेन का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो मेरा रेड होगा, और P4 के ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मेरा व्हाइट फॉस्फोरस होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों चीजों की बात की। अब मैं कुछ बात कर रहा हूँ आपके पास, अगला मॉलिक्यूल मेरे पास जो कि वो है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ही है, एक तरफ से कार्बन का ही पार्ट आता है। वैसे देखा जाए तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, डायमंड, ठीक है, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें, हो सकता है आपने पहले पढ़ी भी हो, सुनी भी हो, बट ये आपको पता होना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। कि जो डायमंड हम लोगों ने बनाया था तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से था, ये कार्बन से अटैच है, एक और कार्बन से, एक और कार्बन से, एक कार्बन, ये मेरे पास अगले कार्बन से अटैच है इस तरीके से, और हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो मैंने यहाँ कैलकुलेट की थी वो कैसी थी, sp3 थी, ठीक है। मतलब वो कैसा था मेरे पास, टेट्राहाइड्रल शेप में था।
बट जब मैं ग्रेफाइट की बात करता हूं तब क्या होता है, तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट है मेरा उसमें हर एक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है और वो होती है sp2। ठीक है ना, कैसी होती है sp2 स्ट्रक्चर बना के मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से होता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ये इधर आगे और बढ़ रहा होता है, डबल बॉन्ड ऐसे लगे हुए होते हैं। अब कोई भी कार्बन देख लेना, आप जो भी कार्बन चेक करोगे सब 3 सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये इधर ऐसे ऐसे, और इसी तरीके से ये आगे भी इस साइड मेरा बढ़ता रहेगा। तो अगर मैं किसी भी कार्बन को देखूं, इस कार्बन को देख लेता हूं, तो ये 1 2 3 तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये कैसा होगा, मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए इसका शेप कैसा होता है, मेरे पास ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है ना, ट्राइगोनल कैसा होता है, प्लेनर होता है। ये ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और एक बॉन्ड एंगल ये अगर पूरा 360 डिग्री होता है तो एक बॉन्ड एंगल कितना होगा मेरा, 120 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है मेरे पास कैसा होता है, 120 डिग्री का। जहाँ टेट्राहेड्रल की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट्स का एक कार्बन से कार्बन के बीच का बॉन्ड होता था। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या है कि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, अब एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर तो क्या था, एक कार्बन से जब दूसरे कार्बन में दूसरे प्लेन में आ रहे थे तो शेयरिंग हो रही थी, कैसा बॉन्ड बन रहा था मेरे पास, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, अगर मैं एक यहाँ की बात करें, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक इस चेन की बात करें, आपको आप पता क्या करना, अपनी दो नोटबुक है आपके पास, दो नोटबुक आपने पैरेलल रखा हुआ टेबल पे इस तरीके से, आप समझ लीजिए ये आपके पास एक नोटबुक है। ठीक है, ये आपकी एक नोटबुक है मान लीजिए, इसके जस्ट आगे आपने कुछ डिस्टेंस पे दूसरी अपनी बुक को रखा हुआ है ऐसे पैरेलली एकदम। ठीक है ना, ग्रेफाइट कुछ ऐसा है, ये एक आपकी नोटबुक है जो ऑरेंज से बनी हुई है, पिंक से आपकी दूसरी नोटबुक बनी हुई है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा, यहाँ पर सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है मेरे पास, वैन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो सेम मेरे ग्रेफाइट के साथ होता है, समझो अगर मेरे पास में यहाँ पर बनाऊं तो एक चेन तो मेरी इस तरह से चल रही होगी, आगे 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 इस तरह से, इस डायरेक्शन के अंदर भी यहाँ पर पाई बॉन्ड भी होंगे, यहाँ पर इस तरह से एक पैरेलली चेन मेरे पास ये भी चल रही है। ठीक है ना, बट इन दोनों चेन के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है अलावा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। बट जब डायमंड की बात करते हैं तो एक चेन से दूसरे चेन के बीच में क्या हुआ है, मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, कैसा बना हुआ है, मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब देख रहा हूं मैं ग्रेफाइट में, एक जो मेरे पास ये चेन चलने वाली है और यहाँ पर ये दूसरी चलने वाली है, दोनों के बीच में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए ये दोनों लेयर आप इसको आगे खींचो इसको पीछे खींचो तो ये आराम से स्लिपरी नेचर को शो करता है। कैसे नेचर शो करता है, स्लिपरी नेचर मेरा शो करता है क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड तो है नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ही कमजोर, वो भी मेरे पास वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से क्या होती है ये स्लिपरी नेचर को भी शो करता है। तो आप लिख सकते हो ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड विद 120 डिग्री बॉन्ड एंगल विद ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, लिखते आगे, ऑल बॉन्ड्स आर कोवेलेंट इन अ लेयर ऑफ ग्रेफाइट कैन इजिली
इन अ लेयर, ठीक है, ऑल बॉन्ड्स आर कोवेलेंट इन अ लेयर हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, इसको यहां से हटा दो एक बार, लेयर तक ठीक था, बिटवीन द लेयर्स वैन डर वाल फोर्स एग्जिस्ट्स ड्यू टू वैन डर वाल फोर्सेस लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट कैन स्लाइड इजिली, सो इट इज स्लिपरी इन नेचर, सो इट इज स्लिपरी इन नेचर, ग्रेफाइट मेरे पास स्लिपरी इन नेचर होता है, इसलिए उसको ग्रीस के लिए भी यूज किया जाता है। ग्रीस भी मैंने आपने देखी होगी जो हम लोग मोटर व्हीकल की या साइकिल की चेन में ग्रीस डालते हैं ना, वो भी स्लिपरी होती है क्योंकि उसके अंदर ग्रेफाइट का अमाउंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर मेरे ग्रेफाइट की क्लियर, डायमंड का स्ट्रक्चर हमें पता चलेगा, टेट्राहेड्रल होता है बॉन्ड एंगल पता चलेगा, ग्रेफाइट का बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर के बारे में मुझे यहाँ से पता चल गया। अब मैं अगली बात करता हूँ आपसे और वो करूंगा SiO2 के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, SiO2। वैसे तो देखो सिलिकन से ऊपर आता कार्बन, तो CO2 होता है इससे ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको पता ही होता है, C डबल बॉन्ड O CO2, ठीक है ना, जो कि एकदम सीधा है, तो ये मेरे पास कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। बट अगर एग्जाम में जब आपको SiO2 के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा, तो अगर आपने ये बना दिया SiO(O)), जो कि अक्सर लोग बना देते हैं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से, एक सिलिकन चार ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है इस तरीके से, और एक ऑक्सीजन दो सिलिकन के साथ, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, फिर वापस से ये सिलिकन के साथ कनेक्टेड होगा, ये ऑक्सीजन, ये सिलिकन, फिर ये ऑक्सीजन इसके साथ भी है यहाँ पर भी। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं, देखो मैं यहाँ पर और बना देता हूँ, ये ऑक्सीजन एक और सिलिकन से कनेक्टेड होगी, ये बीच में ऑक्सीजन सिलिकन, यहाँ पर ये आगे आगे आगे, यहाँ पर बात करें हम लोग, सिलिकन कनेक्टेड होगा, सिलिकन से ऑक्सीजन कनेक्टेड होगी, ऑक्सीजन से सिलिकन कनेक्टेड होगा, सिलिकन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सिलिकन। तो अगर आप यहाँ पर देखो, मैं आपको एक यूनिट दिखाता हूँ, कि ये जो यूनिट है मेरे पास ये वाली, इसके बारे में देखो कि क्या आपको पता चलती है, आपको पता चल रहा है सिलिकन तो मेरा एज इट इज यहाँ पर पूरा है, तो आपने लिख दिया सिलिकन। अभी ये वाली जो ऑक्सीजन है आधी तो इस सिलिकन के साथ है, आधी इस सिलिकन के साथ है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ हाफ है। इस ऑक्सीजन की बात करें तो आधा इस सिलिकन के साथ, इसके साथ, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी कितना है, हाफ ही कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में। इस ऑक्सीजन को देखो तो हाफ इस साइड, तो हाफ ही कंट्रीब्यूशन है। इस ऑक्सीजन की बात करूंगा तो हाफ यहाँ पर, हाफ यहाँ पर, हाफ ही कंट्रीब्यूशन है। तो देखूंगा ऑक्सीजन के साथ चार ऑक्सीजन लगी हुई है और सबका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, हाफ। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाए, SiO2, ठीक है ना, ये बनता है मेरे पास SiO2 का। यहाँ पर अगर आप एक सिलिकन की हाइब्रिडाइजेशन देखो तो देखो 1, 2, 3, 4 चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए कैसा हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और इसके अंदर सारे बॉन्ड्स जो यहाँ बन रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बन रहे हैं, इसलिए ऑल बॉन्ड्स आर कोवेलेंट, क्योंकि सारे ही बॉन्ड यहाँ पर मेरे पास किससे बन रहे हैं, शेयरिंग से बन रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, इसलिए यहाँ पर मेरे पास ये सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोई भी आपसे पूछेगा SiO2 का कहानी बताओ, तो आप बोलोगे भाई साहब sp3 हाइब्रिडाइज होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, सारे बॉन्ड्स कोवेलेंट होते हैं, ठीक है ना, और एक सिलिकन चार ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन दो सिलिकन के साथ अटैच होता है, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड वाला अगर आपने बना दिया और बोल दिया लीनियर स्ट्रक्चर है, एक दो दो सिग्मा बॉन्ड बना रहे, तो sp हाइब्रिडाइज हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वहां पर साफ साफ गलत हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि सिलिकन ऑक्साइड जो है मेरे पास, सिलिकन डाइऑक्साइड जो है SiO2, वो मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज होती है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब लोग। चलो अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। रेडी ना लो, मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर हैं, सॉलिड्स हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स डिपेंड्स अपॉन पैकिंग, ठीक है ना। पैकिंग का मतलब सिमेट्री से है कि उसके अंदर कितनी ज्यादा सिमेट्री प्रेजेंट है, उसके बिहाफ पे बताया जाता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं आपके पास, अगर आपके पास दो कंपाउंड गिवन है, एक तो ऑर्थो वाला है और एक है मेरे पास पैरा वाला, ठीक है। इन द सेंस अगर मैं एक यहाँ पर एक कंपाउंड बना रहा हूँ, यहाँ सी एच थ्री लगा हुआ है और उसके ऑर्थो पे एक और सी एच थ्री लगा हुआ है, और एक मॉलिक्यूल मैंने ये बनाया, यहाँ सी एच थ्री लगा हुआ है, इसके ये ऑर्थो, ये मेटा और फिर ये पैरा, पैरा पे वापस से सी एच थ्री लगा हुआ, तो मैं देखूंगा ये जो मॉलिक्यूल है मेरा सेकंड वाला पैरा वाला, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है एज कम्पेयर टू दिस ऑर्थो वाले के, ठीक है। तो ये मेरे कैसे अनसिमेट्रिकल है और ये कैसे मेरा सिमेट्रिकल है। इसी वजह से पैरा वाले का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके ऑर्थो वाले आइसोमर से। दूसरी बात आती है मेरे पास ट्रांस और सिस की। ट्रांस का मतलब क्या है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ पर ग्रुप ए लगा हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट सेम ग्रुप लगा हुआ है ए, ये बी है और यहाँ पर भी क्या है बी है, तो ये ए ग्रुप इसके एग्जैक्ट सेम ग्रुप ए इसके ट्रांसवर्सल पोजीशन में प्रेजेंट हो तो वो ट्रांस होता है। सिस होता है जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर भी ए लगा हो, यहाँ पर भी ए लगा हो, यहाँ पर बी लगा हो और यहाँ पर भी क्या लगा हो बी, सेम ग्रुप मेरे पास सेम साइड में प्रेजेंट हो तो वो क्या होता है मेरे पास सिस होता है। तो सिस के अंदर क्या होता है रिपल्शन होता है, ये ग्रुप इस ग्रुप को क्या कर रहा होता है रिपेल कर रहा होता है, तो दूर जा रहे होते हैं, इसलिए मेरे पास ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेरे सिस आइसोमर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात मुझे यहां से क्या हो गई पता चल गई, तो मैंने ट्रांस का सिस से ज्यादा होगा और मेरे पास पैरा का ऑर्थो से ज्यादा होगा, ये बात का मुझे यहां से पता चल गया, ठीक है। तो चलो इसी बात पे मैं आपको चार क्वेश्चन दे देता हूँ, फटाफट से आप इनका आंसर बताना मुझे कि अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा गया तो क्या ऑर्डर होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सीएल, सीएल लगा हुआ है, सीएल यहां पर भी सीएल लगा हुआ है, सेकेंड ऑप्शन CH3, थर्ड ऑप्शन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। चलो भाई चारों क्वेश्चन करो, बताओ कौन ज्यादा कौन कम, फटाफट शुरू हो जाओ।
ठीक है, गुंद का आंसर ठीक है, ओम का ठीक है, मैत्री का ठीक है, तो बहुत ही फर्जी सी बात थी, छोटी सी। ठीक है, तो मुझे बताइए, ये पैरा है, पैरा ज्यादा होगा, पैरा है, पैरा ज्यादा होगा, ट्रांस है, ट्रांस ज्यादा होगा, ये ट्रांस है, ट्रांस ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 और CH3 मेरे पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांस है, यहाँ पर Cl मेरा दूसरा Cl यहाँ पर है ट्रांस पोजिशन में, इसी वजह से ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ऐसे मेल्टिंग पॉइंट आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लेते हैं, कंपैरिजन करके बताओ कि कंपैरिजन करके क्या आंसर आएगा। अगली बात आती है, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स की बात करेंगे फॉर एन एटम। एक एटम अलग अलग तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसके अंदर ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है, फॉर वन एटम। देखो मैंने क्या लिखा हुआ, फॉर वन एटम ना, और मेरे को पता है ये बात लिखने के बाद भी आगे जाके गलती कर दोगे। ठीक है ना, एक एटम की बात कर रहा हूं, मतलब मैं यहाँ पे एक एटम की बात, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं सोडियम की, तो मैं सोडियम के ही अलग अलग बॉन्ड्स बना के देखूंगा, तो उसके अंदर जो आयोनिक की स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है कोवेलेंट की, फिर होती है मेटेलिक की, आपको पता है ये तो तीनों स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में आते थे, उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और लास्ट में आता है वेंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो ये एक एटम की बात होती है। अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम पहले जब आयनिक बॉन्ड बना रहा होगा, अगर आयनिक बॉन्ड कैसे बनाएगा, सोडियम को मैंने आपको बताया था, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस बन जाएगा, और उसके चारों तरफ, ठीक है ना, हर एक डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट होगा मेरे पास, Cl-, 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 ये पीछे भी Cl-, आगे भी Cl-, छह छह डायरेक्शन से मेरे क्लोरीन इसको घेर के रखेंगे, और इसी तरह एक क्लोरीन को छह सोडियम कवर करके रखेंगे हर एक डायरेक्शन से। इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर मेरे पास इनका बनता है। बट जब बात करें इसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल की, तो Na और Cl के बीच में क्या करता है, मेरे पास एक बॉन्ड बन रहा है, जिसमें Na मेरे पास क्या है, मेटल है, और Cl मेरे पास क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, अब बात करें अगर मेटेलिक बॉन्ड की, तो हमें पता है जैसे आयरन की बात करते हैं हम लोग, तो अगर मैं सोडियम के एक बार ले रहा हूं, तो उसके अंदर क्या होगा, मेरा एक सोडियम दूसरे सोडियम से कनेक्टेड होगा, ये सोडियम आगे वाले किसी और सोडियम से, यहाँ पर, 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 ये इसी तरह से हर डायरेक्शन में एक सोडियम दूसरे सोडियम से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका मेटेलिक बॉन्ड भी सोडियम का है, कोवेलेंट बॉन्ड भी मेरा सोडियम का है, आयनिक बॉन्ड भी मेरा सोडियम का है, एक ही एटम के डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही उसके, एक ही मेटल के अलग अलग के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, मेरा मेटल तीनों ही में केसेस में क्या है, सोडियम, तब इस केस के अंदर आयनिक की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कोवेलेंट से, कोवेलेंट के मेटेलिक बॉन्ड से, मेटेलिक के हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन की मेरे पास वेंडरवॉल फोर्सेस से। ठीक है, ये चीज तो मेरे को यहां से क्या हो गई, समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा अगले की, अब एक चीज मुझे यहां से ध्यान रखनी है, जो वो ये है कि भाई अगर मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स बात कर रहे हो, अलग अलग कंपाउंड गिवन है, जैसे यहाँ तो एक ही एटम था, सोडियम था, सोडियम से बन रहे थे अलग अलग बॉन्ड, बट अलग अलग गिवन हो तो क्या होगा। तो मैं बात करूं अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, तो उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड से सॉलिड बनते हैं उनकी सबसे ज्यादा होती है, कोवेलेंट बॉन्ड से जो सॉलिड बनते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है, फिर आयोनिक बॉन्ड से जो सॉलिड बनते हैं उनकी, और वो नियरली इक्वल होती है मेटेलिक बॉन्ड के ही। ठीक है, और वो ये ज्यादा होता है मेरे पास मोलिकुलर सॉलिड से, जो मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने पर सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है तब। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल लेके जब सिखाऊंगा, तो आप इस बात को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको दूं SiO2,
अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाया था SiO2 के, सारे बॉन्ड कैसे थे मेरे, कोवेलेंट बॉन्ड थे, सिलिका ही तो है ये मेरे पास, तो आपको पता है इसके अंदर सारे बॉन्ड कैसे थे, कोवेलेंट। AgCl, ठीक है ना, AgCl आयनिक होता है। फिर वॉटर, वॉटर के अंदर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। फिर मैं बात करूं अगर आपको H2 की बात करूं, H2 मेरे पास एक H2 दूसरे H2 से क्या होगा, वेंडर वॉल फोर्सेस के थ्रू अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर जो ऑर्डर आ जाएगा किसका, मेल्टिंग पॉइंट का, तो कोवेलेंट सॉलिड का आयनिक से ज्यादा, आयनिक का हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड का मेरे वेंडर वॉल फोर्सेस से ज्यादा आएगा। ठीक है, और बात करूं अगर मैं आपसे एक सीरीज और भी लिखाता हूँ, ये बताया ऐसी सीरीज है जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखनी है, जो सामने मैंने आपको कंपाउंड से बताया ना, ये अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो घोट लेना, ठीक है ना, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आप इनको छोड़ दो, अगर पहली बात तो आप समझ के याद रख लो सबसे बढ़िया है, अगर याद नहीं रहते हैं तो आपको ये ऑर्डर याद रहना चाहिए फिर, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। एक मैंने आपको दिखाया था सिलिकन और कार्बन का, फिर NaCl, I2, ठीक है, HF, CO2, इस तरीके से, ठीक है। मुझे पता है ये तो मेरा कोवेलेंट सॉलिड है, इसलिए ये मेरे पास आयोनिक मॉलिक्यूल है। I2 की बात करूं, I2 मेरे पास क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन कैसे स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, इसलिए HF से ज्यादा होता है इसका, और HF का ज्यादा होता है CO2 से, क्योंकि HF के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिमेट्रिकल प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा इसी की बात करें तो भाई मेरे पास कोवेलेंट सॉलिड था, ठीक है। NaCl की बात करें तो कह देंगे हम भाई मेरे पास आयनिक था, I2 मेरे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, ठीक है, नहीं कैसा हो गया मेरे पास, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। फिर HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और CO2 आपको बताइए कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा जब मैं एक चीज और आपको बताऊं कि जैसे जैसे मैं डी ब्लॉक की बात करूं अगर, ठीक है ना, मैं यहीं पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी, अगर मैं जब डी ब्लॉक की बात करता हूं तो डी ब्लॉक के अंदर मेरे पास तीन सीरीज आती है, एक तो आती है 3D सीरीज, फिर उसके जस्ट नीचे वाली 4D सीरीज, तो फिर उसके नीचे आती है मेरे पास 5D सीरीज। जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स क्या करती हैं, इंक्रीज करती जाती हैं, उनका साइज क्या करता है मेरे पास, इंक्रीज करता जाता है, और साइज जब उनका इंक्रीज करते जाता है, इसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है मेरा, कम होते हुए चला जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है उनके मेरे पास साइज बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसलिए अगर आपको बोले जिंक, जो कि 3D का एलिमेंट है, जिंक कैडमियम HG, तो मेरे पास जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कैडमियम से, कैडमियम का ज्यादा होता है किससे, मर्क्यूरी से, ठीक है ना, क्या मेल्टिंग पॉइंट मेरा जिंक का ज्यादा होता है कैडमियम से, कैडमियम का ज्यादा होता है मेरे पास मर्क्यूरी से। क्यों, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आऊंगा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी विद इन द मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा मेरे पास, साथ ही साथ में कम होते हुए चला जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही कम होते हुए चला जाएगा, ठीक। अब मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है, खुद से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है वहां पे, ठीक है, आपको खुद से दिमाग लगाना है यार, इसका आंसर ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, आपको वो चीजें पता नहीं होंगी, ठीक है, कि इनका एग्जैक्ट ऑर्डर यही होता है, बट JEE के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन चलो करते हैं, दिमाग लगाना, जितना दिमाग है ना अपने पास पूरा लगा देना, मैच द फॉलोइंग, इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन आया था वो देखो, यहां लिखे हुए थे सब्सटेंस और यहाँ लिखा होता उनका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो देखो पहला मेरे पास यहाँ लिखा था ए, जो कि था BR2 गिवन था,
बी ऑप्शन एफ टू, सी ऑप्शन सी एल टू, डी ऑप्शन एन ए सी एल, ई ऑप्शन मेरे पास था एल आई एफ, एफ ऑप्शन मेरे पास था के बी आर, ठीक है, एफ जी, जी ऑप्शन था मेरे पास डायमंड, और करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज गिवन थी यहां पर मेरे पास, ठीक है, जैसे अलग अलग वैल्यूज गिवन है मेरे पास 365 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 83.1, फिर है मेरे पास 80.1, फिर है मेरे पास 78.3, फिर है मेरे पास -10.8, -100.1, -142.5, सभी डिग्री सेल्सियस के अंदर है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। देखो सीधी सी बात है ना, क्या किया उस क्वेश्चन में, उसने आपको अलग अलग कंपाउंड दे दिए और बोला भाई उनको अरेंज कर लो, अरेंज करके मैच द फॉलोइंग, तो आप सबसे ज्यादा जिसका हो उसके साथ एक एक को मैच करते जाओ और अपना आंसर निकालते जाओ। तो अब अपने दिमाग लगाओ भाई, बुद्धि लगा दो, जितनी आता है उतना पूरा लगा दो। पहले पूरा एक साथ निकालो, फिर एक साथ बताना मुझे। सोचो सोचो, पूरा सोचना है कि भाई देखो कल की क्लास के अंदर जो मैंने पढ़ाया, आज जो पढ़ा, वो पूरा पूरा दिमाग लगा के आंसर निकालना है इसका, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर NaCl, LiF, KBr ये सब कंपाउंड भी हैं, ऊपर देखोगे तो Br2, F2, Cl2 भी है। तो आपको पता है कि भाई जितना ज्यादा वो मेरे पास कोवेलेंट नेचर शो कर रहेगा, जितनी ज्यादा कोवेलेंट नेचर शो करेगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर ज्यादा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो तीन चार कंपाउंड जो जैसे यहाँ पर NaCl है, LiF है, KBr है, तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होना चाहिए उस केस में, ठीक है ना, ताकि वहां पर कोवेलेंट नेचर बढ़े। कोवेलेंट नेचर बढ़ता है तो फिर आप आराम से कह सकते हो खुशी खुशी भाई कोवेलेंट नेचर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज्यादा है, और मुझे पता है कोवेलेंट का NH से ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए।
लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, तभी तो मैं कहता हूँ डेली डेली चीजें रिवाइज करोगे ना तो ही बात बनेगी। अरे चलो भैया, अब मैं डिस्कस करता हूँ, पहले आपके आंसर देख लूँ मैं। चलो पहले एक बार आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखेंगे किसका क्या क्या है। देखो भाई, सबसे पहली प्रजाति डायमंड, पूरा कोवेलेंट है, पूरा का पूरा कैसा है मेरा, कोवेलेंट है, कोवेलेंट का सबसे ज्यादा ही होगा। पर चलो सबके सबसे पहले सबके बारे में लिखते जाते हैं। Br2 के अंदर क्या होता है, वंडरवाल फोर्सेज लग रही होती है। फ्लोरिन मेरे पास वंडरवाल फोर्सेज लग रही है, क्लोरीन की बात करें तो वंडरवाल फोर्सेस लग रही हैं मेरे पास, और वैसे तो मेरे पास NaCl, LiF और KBr तीनों ही कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये भी आयनिक होता है, ये भी आयनिक होता है, और ये भी मेरे पास क्या होता है, आयनिक होता है। बट अब मैं देखूंगा कि इन तीनों के अंदर से पोलराइजेशन किसके अंदर ज्यादा होती है, ठीक है ना, क्या मेरे पास पोलराइजेशन किसके अंदर ज्यादा होती है। कल ही मैंने आपको बताया था समझदार लोगों कि भाई मेरे पास लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, तीनों के केस में चार्ज तो तीनों पर प्लस वन, Na पे भी प्लस वन और K पे भी प्लस वन, तीनों पर चार्ज तो मेरा सेम होता है। और पोलराइजेशन के मैंने आपको बारे में बताया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए तभी बढ़िया होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, ऊपर से नीचे जाऊंगा तो मेरा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। तो भाई के बी आर के अंदर पोलराइजेशन सबसे कम होगा, लिथियम सबसे छोटा है तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा, तो इसका कोवेलेंट करेक्टर मेरे सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इसके समझो तीन पॉइंट है, तो इसके दो, और इसके अंदर सिर्फ एक ही कोवेलेंट करेक्टर का मैंने ऐसे बनाया, ये दिखाने के लिए कि LiF के अंदर सबसे ज्यादा मेरे पास क्या होंगे, कोवेलेंट करेक्टर होंगे, फिर NaCl में होंगे, लास्ट में आपके पास KBr में होंगे। जब मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये मेरे पास है फ्लोरीन, ये मेरे पास है क्लोरीन, ये मेरे पास है ब्रोमीन, और ये मेरे पास है आयोडीन। आयोडीन कैसी होती है, सॉलिड होती है। ब्रोमीन कैसी होती है, लिक्विड होती है। ये दोनों कैसी होती है, ये दोनों गैसियस होती है, ठीक है। तो मुझे पता है जब लेफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, इसलिए तो इनका फिजिकल स्टेट इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, ब्रोमीन में, क्लोरीन में, फिर फ्लोरीन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोवेलेंट वाला आ गया, तो ये तो मेरा हो गया जी से मैच कर गया, जो कि मेरे पास डायमंड। फिर आते हैं आयनिक, आयनिक के अंदर जिसके अंदर कोवेलेंट ज्यादा होगा वो है LiF, दूसरा हो गया LiF वाला हो गया। फिर आपके पास NaCl वाला, और फिर है आपके पास KBr वाला। अब बात बताते हैं इन तीनों के अंदर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे पास सबसे ज्यादा होती है किसके अंदर, ब्रोमीन के अंदर, तो इसलिए आ गया मेरे पास Br2Cl2 और ये मेरे पास है F2। ये किसका आंसर है देख लेते हैं हम लोग, जो आप लोगों ने आंसर बताया है। मैत्री का फिर डायमंड वाले, ठीक है, गलती हो गई, ठीक है।
चलो अब साल की गलतियां हुई है कहीं पे, है ना। NaCl आयनिक का पहले नहीं करना ना मुकुंद। देखो मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज सीधी सीधी बताई, एक एटम की जब बात करेंगे फॉर एन एटम, जैसे यहाँ पर सोडियम 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 के बॉन्ड बन रहे हैं, तब उस केस में आयनिक ज्यादा होगा कोवेलेंट से, कोवेलेंट ज्यादा होगा मेटेलिक से, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर वैन डेर वाल्स फोर्स। बट जब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और सॉलिड के अंदर, तो कोवेलेंट का ज्यादा होता है, फिर आयनिक का, फिर मेटेलिक का, मेटेलिक और आयनिक एक जैसे ही है, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और लास्ट में आपके पास आता है क्या, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, जो कोवेलेंट ज्यादा होगा उसका मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, इस वजह से जो यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिखा है ये इसका क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, वो आंसर मेरे पास बन जाएगा। बोल, बात समझ में आ गई मैत्री? बात उसकी नहीं कर रहे, देखो मैं यहां बताता हूँ आपको, वही कंफ्यूजन ना आपको, देखो मैं बताता हूँ, एफ टू है आपके पास, ठीक है ना, एक जगह आपके पास F2 है, Cl2 है, Br2 है, फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है, ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो मेरा एक मॉलिक्यूल हो गया F2, इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल और होगा F2। मैंने आपसे थर्मल स्टेबिलिटी नहीं पूछी, थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो इंटरेक्शन है वो तोड़ा जाता है। तो ये इसके अंदर ये वाला जो बॉन्ड है ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई नहीं मना कर रहा, वो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बट एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल का दूसरे फ्लोरीन मॉलिक्यूल से जो इंटरेक्शन है वो तो आपका क्या होगा, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पर है मेरे पास, जो मेरे पास यहाँ पर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ही तो हमको तोड़ना है भाई, ठीक है ना, ये तो मेरे पास क्या, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। आई बात समझ में? ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि थर्मल स्टेबिलिटी का होता है कि आप जो ये एक फ्लोरिन दूसरे फ्लोरिन से बॉन्ड बना रहे इसको तोड़ दूं, बट जब मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो मैं एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कितना इंटरेक्शन है उसकी बात करता हूं। ठीक है, डायमंड एकदम प्योर कोवेलेंट है, उसके बाद वाले ये सारे कंपाउंड जो थे मेरे पास ये आयनिक थे, बट अब इनके अंदर मैं पोलराइजेशन देखूंगा। पोलराइजेशन के लिए कल की पूरी क्लास हम लोगों ने की, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन कैटायन चार्ज ऑन एनायन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन, ठीक है ना। तो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो साइज ऑफ कैटायन था, तो इसीलिए मैंने देखा पहले तो ऊपर से नीचे जाऊंगा तो साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या होती जाएगी मेरी, कम होती जाएगी, इसलिए लिथियम का सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा। और जब पोलराइजेशन ज्यादा होता है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, खुद ही सोचो। जब भाई मेरे पास ये कैटायन है, इसके बगल में एनायन प्रेजेंट है, पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, वही तो पोलराइजेशन थी। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा और कोवेलेंट करेक्टर भी मेरा ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में होगी। इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो भाई मेरे से पूछ लो, और कोई डाउट, सबसे बढ़िया चीज यहाँ तक बैठ के रिवाइज करना। कल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कल की पूरी क्लास हाइब्रिडाइजेशन पे चलेगी। अभी तक आपको बहुत ही सिंपल सिंपल हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने कैलकुलेट की थी, जैसे कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना रखे हैं वो, बट अब हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, जो अपने पास फिर अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी काम आते हैं और उसमें से कुछ कुछ मेरे पास ऑर्गेनिक के अंदर भी काम आ जाते हैं, तो उसकी बात हम लोग करेंगे कल की क्लास के अंदर। ठीक है, जहां पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और वहीं 60-70 मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ठीक है, फिर पता चल जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आपके जीवन में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही है।